तो दोस्तों हम अपना तैयारी कर रहे हैं, जा रहे इसको मिक्सर में पीसेंगे क्योंकि ये खड़ा खड़ा ना अच्छा नहीं लगता है इसकी वजह से। तो दोस्तों जैसा कि हमने वीडियो में बोला था कि मैं अब जा रही हूँ अपनी तैयारी करने, तो दोस्तों मैं ये सब जो सूखा नारियल था मैं इसमें डाली हूँ, जा रही हूँ इसको मैं मिक्सर में मैं पीसूँगी और ये सब जो है इसको मैं पीसूँगी क्योंकि पीस के मतलब कि पीस के मिक्स करने में अच्छा होता है और जलता नहीं है, तो इसकी वजह से मैं ऐसे ही करके मैं पुआ में मैं ऐसे ही डालती हूँ। तो फिर देखते हैं मेरा पुआ कैसा बनता है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं इसके पहले जो बनाए थे बहुत टेस्टी लग रहा था और आज आप लोगों को भी खिला रहा है इसलिए और टेस्टी बनाएंगे। ये देखिए हम अपना रखते हैं घोल बना के, मैं रख दी हूँ, देखिए दिखाइए देखिए मैं ये घोल बना के रख दी हूँ। और गुजिया के लिए मैंने उधर आटा भी मतलब वो सान के रख दिए हैं, क्या बोलते हैं इसको जी, गूंथ के ना मैं आटा गूंथ के मतलब मैदा गूंथ के रख दी हूँ उधर, मैं नहीं गूंथी हूँ ये गूंथे हैं क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी इस टाइम, मैं बोली हूँ कि कर दीजिए तो फ्राई मेरा हेल्प करवा दिए हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिए फिर मैं मिलती हूँ, बस कर दीजिए ऐसे ना। तो देखिए दोस्तों ये पुष्पा जी इसको क्या कर रही हैं, फेंट रही हैं किशमिश, इसमें अभी तुरंत मकाना मिक्स कर रही हैं। हाँ मिक्स कर रहे हैं, इसको फूल गया है अभी, चलो इसको बनाएंगे और इसको थोड़ी देर में जो उसको पीस दीजिए थोड़ा थोड़ा। और आप बनाएंगे, मैं बस बैठा हूँ नीचे बना रहे हैं दोस्तों क्योंकि मेरे से खड़ा होकर नहीं बनाया जाता, इसलिए मैं अलग से चूल्हा वूल्हा रख ली हूँ अपना बनाने के लिए। जाइए उसको पीस दीजिए थोड़ा सा। ये देखिए गर्मा गर्मा मालपुआ ऐसे बोलते हैं पुष्पा जी निकाल रही हैं बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत अच्छा लग रहा है सुनहरा मजाक उड़ा रहा है सुनहरा है, अच्छा लग रहा है। बात है ना कि इसमें भी बहुत तारीफी होती है क्योंकि बहुत लोगों का पुआ फट जाता है, देखिए पुष्पा जी ने इसको बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ है, देखिए फट नहीं रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में भी। और खाना जरूर आइएगा आप लोग, खाने हमारे घर आइए मैं बहुत मेहनत से बनाई हूँ दोस्तों, आप लोग आइए देखिए मैं बहुत मेहनत से मैं भी बना के यहाँ पर रख रही हूँ तो दोस्तों बनाते बनाते हमको बच गया है 5 और मैंने बहुत सारे गुजिया और पुआ मैंने बनाया है और ये आप लोगों के लिए देखे मैंने अपने हाथों से ये मैंने गुजिया बनाई है और ये मेरे मैं पुआ बनाई हूँ, आप लोग देख सकते हैं मेरा पुआ। और बताइएगा टेस्ट करके कैसा लग रहा है मेरा पुआ और ये रहा मेरा गुजिया। दोस्तों 5 बज गया है, मैं अभी यहीं पर बैठी हूँ, मैं नीचे ही बना रही थी, देखिए भी सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, अभी सब हटाना है मेरा, इधर चिप्स रखा हुआ है, मैं सोची थी कोई आएगा तो उसको देने के लिए इसलिए मैं ऐसी रखी थी, ढकी भी नहीं थी। और मैं जा रही हूँ दोस्तों अभी पूजा करना है वहाँ पे, तो
हरदा बाबा है हमारे, वहाँ पे जाना है पूजा करने, फिर पूजा करके उधर से उधर हम लोग गाँव पे निकल जाएंगे। दोस्तों हमारा भुजिया और पुआ आप लोग जरूर टेस्ट करिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा है। आनंद जी तो हमारे बनाते बनाते ही टेस्ट कर लिए हैं, बताया है कि बढ़िया लगा है, और फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा है हमारा होली का पुआ और भुजिया। माचिस नहीं जल रहा है और बोले हैं घर से ले लीजिए, जो जला है वही लगा दीजिए, तब लगा दीजिए। तो दोस्तों हम लोग आए हैं हरदा बाबा के पास, तो अनंत जी उधर पूजा कर रहे हैं, मैं इधर बैठ के मैं वीडियो बना लूँगी, मैं भी मतलब पैर छू ली, मैं यहाँ पे हूँ और अनंत जी उधर पूजा कर रहे हैं। देखिए बाबू तो है ही नहीं, हम लोग भी आए हैं यहाँ पे, ये हमारे मोहल्ले के हैं हरदा बाबा, यहाँ पे सभी लोग गाँव के मतलब पूजा करते हैं सारे लोग। और देखिए यहाँ पे कल मतलब शुक्र है, कल मतलब रात को इधर होलिका जलाया गया था इधर। बहुत सुनसान लग रहा है क्योंकि सारे लोग सुबह में ही मतलब पाँच बजे तक खूब रात तक मतलब दो तीन बजे तक बहुत ज़्यादा बाजा बज रहा था और बहुत शोर शराबा था। अभी भी देखिए यहाँ पे रखा गया है लेकिन अभी सन्नाटा है, कोई कोई है, देखिए यहाँ पे बैठे हैं उधर दादी जी। दोस्तों हम लोग यहाँ दिवाली के दिन भी आते हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। देखिए इधर ये पेड़ है पीपल का जो कि देखिए सूख गया है, ये पहले अच्छा था, अभी पता नहीं क्या हो गया है कि ये सूख गया है पूरा एकदम। देखिए हम लोग पूजा पाठ यहाँ पे कर रहे हैं और इधर ये नीम का पेड़ है जो कि इधर शीतला माता के रखते हैं। चले जी, हम चले चलते हैं।